नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अगले दो साल राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़े व्यस्त रहने वाले हैं। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो हैं, पांच राज्यों में चुनाव तो इसी साल हैं, जिनका कल ही चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया। इन सभी राज्यों में से सबसे बड़ी टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, जहां 294 सीटों के लिए टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य रूप से मैदान में कूदी हुई है। यहां 8 फेज में 27 मार्च को वोटिंग शुरू होगी और 2 मई को नतीजे आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक घमासान रक्तरंजित हो रही है, जहां दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बंगाल का बाजीगर कौन होगा। तो कई मुद्दों पर आधारित यह चुनाव रहने वाला है, लेकिन जो सीधी और पैनी टक्कर देखी जा रही है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही है। हालांकि इसमें लेफ्ट, कांग्रेस और बाकी छोटे दलों की एक बड़ी भूमिका रह सकती है, और क्या उनकी भूमिका रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित त्रिपाठी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार और कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रभात जी, आप ही से जानना चाहते हैं, क्योंकि इस चुनाव को लेकर लगातार जो लोग हैं भारत के, वो बहुत दिलचस्पी एक बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत एक तीखी बहस और एक मंच पर हो, चाहे ममता और मोदी साथ में या फिर अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में हो, हर किसी का ध्यान इस वक्त इस चुनाव ने खींचा हुआ है। लेकिन आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या ये चुनाव भावनाओं का चुनाव है, जहां पर अस्मिता की बात की जाती है? क्या ये सांप्रदायिकता का चुनाव है, जहां हिंदुत्व की बात की जाती है? या फिर ये बहिरागत का चुनाव है, जो कि ममता बनर्जी कह रही हैं, जहां बाहर से सत्ता चलाई जाएगी? तो किस तरह का ये चुनाव अभी तक का आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? बाहर का नहीं है, अंदर के ही लोग चुनाव लड़ने वहां जा रहे हैं। ये जो बाहर और अंदर की बात की जा रही है, ये निश्चित तौर पे अपनी एंटी कंबेंसी को छिपाने की बात की जा रही है। देखिए अनु जी, आप इसको समझिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का एक आक्रामक रुख रहता है संघीय ढांचे के साथ जी। और उनकी जो एंटी कंबेंसी है, मां माटी और मानस, इसके नारे पे वामपंथियों को हटा के ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव जीत के आई थी और तीन तीन बार सत्ता उन्होंने चलाई। लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नारा दे के उन्होंने अपने आप को सरकार में एस्टेब्लिश किया, और एक पुष्टिकरण की राजनीति, एक सांप्रदायिक राजनीति, और एक जिस तरीके से वोट बैंक को लेके, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेके वो राजनीति करती रही। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए करो मरो का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी आज वहां तक पहुंची है, कैसे पहुंची है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, और चुनाव आयोग को अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां हटाना पड़ा है, और ममता बनर्जी ने कहा कि 8 चरण में चुनाव कराना चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया, तो ये जो सारी उठा पटक होगी, और मुझे तो ये लगता है कि इस पूरे चुनाव के उसमें जिस तरीके से वामपंथी और कांग्रेस, देखिए वहां पे क्या है, जो छोटे दल हैं वो इस चुनाव के समीकरण को बिगाड़ेंगे। जैसे एआईएमएम वहां पहुंच रहा है, वहां 80% मुस्लिम मतदाता 2016 में ममता बनर्जी के साथ था। अब 80% मुस्लिम मतदाता से ममता बनर्जी को सत्ता हासिल हुई थी। अब ये देखना होगा कि क्या वहां पे हिंदू, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव का मंच सजेगा तो हिंदू मुसलमान होगा और वोट पोलराइज होगा और लोग विकास की बात भूल जाएंगे। लेकिन प्रभात जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जहां पश्चिम बंगाल में कभी जाति की बात नहीं होती थी, लेकिन वहां भी एससी एसटी की बात हो रही है। अब जातियों की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में खेली जा रही है, तो ये भी एक फैक्टर आ गया है। तो आप कह रहे थे कि सांप्रदायिकता को लेकर चिंता हो रही है, लेकिन अब जाति की भी बात हो रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए निश्चित तौर पे, देखिए अनु जी, जिस तरीके से जाति को लेके अब वहां जाति का जो संघर्ष हो रहा है जी। और जाति पे जिस तरीके से कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, देखिए वहां पे अभी ममता बनर्जी के भाई पे आरोप लगा, सीबीआई की जांच हो रही है, और वहां जिस तरीके से स्कैम हुए, घोटाले हुए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है पूरे देश के अंदर। आपने कहा बंगाल का बाजीगर कौन होगा, मैं मानता हूं बंगाल का बाजीगर मोदी ही होंगे अल्टीमेटली। अगर भारतीय जनता पार्टी
200 सीट का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए ये तो अभी एजम्पशन है आपका प्रभात जी, जो इस वक्त बीजेपी भी कह रही है, लेकिन जो वोटिंग जो इस वक्त वोटिंग किस आधार पर होगी, ये बहुत ज्यादा उलझी हुई सी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इस वक्त आ चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक बार इस वक्त कमर अली जी, क्या ये जो चुनाव है, क्या ये पर्सनालिटी का चुनाव होगा, जो कि लगभग हमने सभी राज्यों में देखा है 2014 के बाद मोदी वर्सेस जो भी अदर पार्टी का नेता होता है उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है, यानी आप हमेशा पीएम मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव किन मुद्दों पर है, क्या ये पीएम मोदी के चेहरे पर है या फिर मुद्दों का चुनाव है ये? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भाई नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हम लोग चुनाव आपने देखा 14 में भी उनके नेतृत्व में लड़ा, 19 में भी हमने लड़ा, हम योजनाओं पे काम करते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है योजनाओं पे काम करना, जो व्यक्तियों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने देखा बूथ स्तर पे हम तैयारी करते हैं, हम घर घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं योजनाओं का लाभ आपको मिला नहीं मिला, उस पर बराबर हम काम करते हैं और हम बराबर काम कर रहे हैं। जितनी योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है लोगों को, हम उसी की बात करते हैं, उसी पे हम काम करते हैं। लोग अदर्स पार्टी के जातिवाद, धर्मवाद, तमाम चीज़ों की बात करते हैं। आपको एक बात बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने जो वहाँ पे उद्योग लगा था, टाटा ने लगाया था, नैनो के लिए लगाया था, तमाम ऐसे उद्योग लगे थे, इन्होंने धरना प्रदर्शन करके उस उद्योगों को उखाड़ के फेंक दिया था। अब मजबूरन गुजरात में हमें ज़मीन देना पड़ी थी और काफ़ी लोगों व्यापारियों को हमने बुलाए थे, इन्हें उद्योग लगाने के लिए मना किया था, और उद्योग से आप बताइए लाखों लोगों करोड़ों रोजगार मिलता, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया। आप उद्योग के खिलाफ हैं, आप नौकरी के खिलाफ हैं। देखिए आप किसी को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के जो आपने अल्पसंख्यक वोट हासिल किया, आप जब एक बैठते हैं कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो जाति धर्म नहीं होता है, आप एक सूबे के सीएम होते हैं, तो उन्होंने सूबे के सीएम के बतौर जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर दुर्गा पूजा हो रही है या नमाज हो रही है तो परमिशन दोनों को मिलना चाहिए, अगर आपने एक चीज़ को परमिशन नहीं दी और एक को चीज़ को परमिशन दी है तो आप सत्ता चलाने लायक नहीं है। उस अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उस मुसलमान की आप बात करते हैं, आपने 10 साल उनका वोट बैंक हासिल किया, आज परिवार आपका आगे है, उनका विकास कहाँ हुआ, उस मुसलमान अल्पसंख्यक का विकास कहाँ हुआ है जिसका आपने वोट बैंक हासिल किया? भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहे हैं, और सबसे ज्यादा योजनाएं अगर आप महिलाओं से पूछेंगे वहां के पश्चिम बंगाल की, वो कहते भारतीय जनता पार्टी तोड़ देंगे। ममता बनर्जी तो यही बताती है। चलिए सुमित जी, सबसे बड़ी सुमित जी एक सवाल ये जो उठाया था इस वक्त बाकी पैनलिस्ट, मुसलमान के लिए क्या किया ये नहीं बता पाएंगी वो। चलिए ठीक है, लेकिन सुमित जी जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 2011 में, 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी, जब वेस्ट का वहां पर पूरी सत्ता चल रही थी, और एक बदलाव का मंत्र देकर कि बदलाव की सत्ता, परिवर्तन ये होगा, इसका मंत्र देकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आई थी, लेकिन अब आपने सुना होगा जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की तैयारी हो रही है, तो बीजेपी कौन सा बदलाव लेकर आएगी अब? अनु सिंह जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां जहां जाती है, जहां जहां जाती है, चाहे पश्चिम, अरे भाई साहब पहले मेरे को बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। अनु सिंह जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है ये वही करती है कि हम ऐसा काम करेंगे। आज ये बंगाल के अंदर गए हैं, इनसे पूछे 6.5 सालों के अंदर इन्होंने देश में ऐसा कौन सा काम कर दिया जो ये बंगाल में कर पाएंगे? ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो हिंदुस्तान में लग गई है? आज विकास कराने के लिए हिंदुस्तान का रोजगार ठप पड़ा हुआ है, बेरोजगार सड़कों पे है जी, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसान सड़कों पे है, इन्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। महंगाई कहां बढ़ती चली जा रही है, इन्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोदी जी को 100 रुपए पेट्रोल पार हो चुका है, गैस के सिलेंडर के रेट 850 रुपए हो चुके हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्होंने कहा था हम विकास करेंगे, सरकार हम हिंदुस्तान का मान रखेंगे, और ये बात करते हैं बंगाल की। ठीक है, चलिए तो आप कह रहे हैं कि ऐसा बंगाल को दिया क्या है, लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि जो तमाम बड़ी योजनाएं, चाहे किसानों के लिए हों, युवाओं के लिए हों, गरीबों के लिए हों, वो पूरे देश के लिए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें पहुंचने नहीं देना चाहती, और उसके बाद आप केंद्र पर सवाल उठाते हैं, उनका सहयोग न मिलने पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, मैं सबको एक बार जोड़ लेती हूँ, सबके ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप इस चुनाव को कैसा देख रहे हैं? क्या ये चुनाव, हालांकि जिस बात की चर्चा भी है कि ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी का चुनाव रहने वाला है, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ये लोकतंत्र की लड़ाई है, जो आज प्रशांत किशोर ने भी कहा,
ममता बनर्जी को लेकर जो बीजेपी कहते हैं कि ये सिर्फ विकास की लड़ाई है, यहाँ विकास लेकर आना है, बाकी राज्यों को जैसे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रही है केंद्र सरकार, वैसे पश्चिम बंगाल को जोड़ेंगे, तो आपके नजरों से ये चुनाव कैसा है, किस बात का चुनाव है ये? अनुजी, बड़ी अच्छी बात आज कमर अली साहब ने कही, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि भाई हम योजनाओं को पूरा करके काम करते हैं और इन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से देश को तोड़ने का काम करते हैं, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने बेरोजगारों को पूरा बेरोजगार करने का काम किया, किसानों को सड़क पर बैठाने का काम किया, जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन से व्यापारियों को खत्म किया, ठीक है ना, नोटबंदी से इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को खत्म किया और आम आदमी को खत्म कर दिया इन्होंने। इसके बाद अब किसान आंदोलन की बारी है, आगे हमारी और आपकी भी बारी होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। अभी इन्होंने एक नैनो की बात की कि सिंगूर से नैनो गुजरात में लगाई, शायद कमर अली जी ये भूल गए कि गुजरात में भी कारखाना बंद हो गया नैनो का, कारखाना गुजरात में लग करके नैनो का बंद हो गया। आप इस आपके सामने परिस्थितियां हैं, ये परिस्थिति कमर अली जी को सोचनी चाहिए बोलनी चाहिए बोलने से पहले। अब आप आ जाइए इस बात पर कि बंगाल में हो क्या रहा है, छल कपट और प्रपंच की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नकली तृणमूल कांग्रेस के रूप में कर रही है, क्योंकि जितने तृणमूल के दागी बागी लोग हैं वो भाजपा में हैं, भाजपा के पास अपना कोई नहीं है, असली तृणमूल वाले ममता जी के साथ में। सच बात यह है कि दोनों सत्ता पक्ष में रहे केंद्र में, और जो नकली तृणमूल वाले हैं वो भाजपा वाले इस वक्त, वो भी इससे पहले तृणमूल में साथी थे। हमारी लड़ाई वहां पर तृणमूल से है और हम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं, वामपंथियों के साथ हमारा समझौता है और हम पूरी तरीके से बंगाल में विश्वस्त रूप से काम करने का अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जनता हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। यहाँ पे जो बाहर लोग बैठकर भी प्रभात जी कह रहे थे हिंदू मुसलमान हो जाएगा, फलानी चीज हो जाएगी, प्रभात जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाहर से बैठ करके देख पा रहे हैं, लेकिन मैं प्रभात जी इतना बता दूं कि इनको जवाब देना होगा हिंदुओं को ही कि कौन वहां पर कह रहा है कि भगवान श्री राम को, अयोध्या में बैठे भगवान श्री राम को वो लोग राजा राम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं महल बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री राम नहीं राजा राम हमारे लिए राजनीति का विषय है, दिलीप घोष ने कहा है। जवाब देना पड़ेगा पूरे देश को कि किसको ये राजा राम भगवान को राजा राम जिस तरह जिस शैली पर आप बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, तो क्या कुछ मुद्दों पर टीएमसी से सहमत है? टीएमसी जिस राजनीति को लेकर चल रही है उससे सहमत है कांग्रेस? क्या ये बीजेपी के खिलाफ है? क्या बीजेपी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर टीएमसी भी इसमें शामिल है? क्योंकि टीएमसी भी कुछ ऐसी भाषा बोल रही है जब जय श्री राम के नारे लगते हैं। हम तो दोनों सत्ताओं के खिलाफ हैं। बंगाल में जो ममता बनर्जी का कुशासन है 10 साल से उसके भी खिलाफ, और जो देश में झूठ छल कपट और प्रपंच की राजनीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है, भाजपा की है, डिसेसिव जो वो है, डिवाइडर इन चीफ की जो राजनीति है उसके भी खिलाफ है। इस झूठ के खिलाफ हम पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। ठीक है कपीश जी, कुछ इसी तरह का समर्थन देते हुए बात अखिलेश यादव ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जनवरी महीने में ही कि ममता बनर्जी का समर्थन समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में करेगी और नफरत की राजनीति के खिलाफ ये समर्थन है। अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम तो हक दिलाने वाली राजनीति कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल को मिलना चाहिए। तो आप कौन सी नफरत देख रहे हैं जिसके चलते ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं? अशुभ कदम पर पड़े हैं, पत्थरबाजी भी चलने लगी, गोली और बारूद भी चलने लगी और इनके नेता जो हैं वो चरस गांजा हशीश कोकीन में भी गिरफ्तार हो रहे था और वो आरोप भी लगा रहे अपने ही नेताओं के ऊपर। इससे पहले बच्चा चोरी और अपहरण का भी मामला सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो किस अश्लीलता के साथ पकड़े गए थे उसका भी पिक्चर चला था। इसको भी तो जनता देख रही है ना कि इनके नेचर के अंदर क्या है, संस्कार क्या है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि राजनीतिक मंच पे जय श्री राम का नारा लगाना
या किसी भी धर्म का नारा लगाना, धार्मिक देवता और देवी का नारा लगाना, ये बहुत गलत प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो इसको मना करता है। क्योंकि भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, किसी भी ईश्वर का नाम, देवी देवता का नाम, ये जो है सुमिरने की चीज होता है, नारा इनके लिए नहीं लेकिन होता। कपीश जी, अपनी रैलियों में अगर बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाती है तो वो तो खुलकर कहते हैं हम तो राजनीति यही करते हैं, हम तो हिंदुत्व को आगे रखते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? अनु सिंह जी, अगर आप जय श्री राम का नारा तो एक बार नहीं लगाती है सुबह से लेकर शाम तक में, क्या आप हिंदू नहीं है? आप भाजपा से लेंगी क्या सर्टिफिकेट? क्या कोई देश का हिंदू लेगा क्या? अगर 24 घंटा कोई जय श्री राम का नारा ना लगाए तो क्या उसका हिंदुत्व तो समाप्त हो गया? ठीक है, लेकिन कपीर जी, बीजेपी खुलकर अपनी रैलियों में, अपने मंचों पर जय श्री राम का नारा लगाती है, वो कहती है हम खुलकर अपनी विचारधारा को आगे रखते हैं, लेकिन अगर ये किसी के सामने लगाया जाए, ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लग जाए, तो मंच पर भाषण देने से इनकार कर देती है सरकारी कार्यक्रमों में, तो दिक्कत और चिढ़न क्यों है? सवाल तो यही पूछ रही है बीजेपी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भगवान श्री राम के क्या होंगे? उनका जो है मंदिर तोड़ के 29 साल तक इन्होंने टेंट पे बैठाया, अपनी 3 बार सत्ता की मलाई चाटी, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये सारी चीजें हो रही है जो हम लोग शुरू से करते रहे, रथ यात्रा निकलवा करके हिंदुओं को प्रशासन की गोली का शिकार इन्होंने क्यों करवाया? क्यों अपराध का बोधी बनाया? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को तोड़ा था? क्यों नहीं अध्यादेश लेके आए? इनके हिंदुत्व में दाग है, ये हिंदुत्व है ही नहीं इनका। और सीधी सी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का ये सर्टिफिकेट देंगे, ये जय श्री राम का नारा नहीं लेते हैं, बोलते जरूर है मुंह से जय श्री राम, नारा मन में चलता है नाथू राम, यही इनकी हकीकत है। ठीक है कमर जी, कुछ इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि सीधा आरोप आप पर है तो इसका जवाब भी आप ही दे। देखिए, हनुमानगढ़ी में हिंदू भाइयों पे गोली चलवाने वाला कौन है? जो दर्शन करने लोग उन पे गोली चलवा दिया, प्रशासन संभाल नहीं पाए, सत्ता के लायक आप नहीं थे। आप बताइए, कोई आदमी पूजा करने जा रहा है उस पे गोली चलवा देंगे? ये इनकी कार्यशैली है, ये परिवारवाद की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है, ये अपने। अरे कपीश भाई, मैंने आपकी बात को सुना, थोड़ा खूबसूरती से सुनिए तो, बुरा क्यों मान रहे हैं आप? बुरा क्यों मान रहे हैं? ठीक है, आज थोड़ा समय कम है, आप हकीकत सुनना नहीं चाहते हैं क्या? कम है कमर जी, आप बताइए, आगे बढ़ेंगे। भगवान हाल फिलहाल कुछ बयान चुनावों के ऐलान के बाद आए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत प्रभात जी ने की थी। कमर जी रुकिएगा, कपीश जी रुकिएगा, प्रभात जी शुरुआत में चिल्लाएगा, रुकिएगा। ठीक है प्रभात जी, शुरुआत में जो बात हुई थी, अनु सिंह जी, बुआ और बेटी की, क्या ममता बनर्जी दीदी के नाम से जानी जाती हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब वो बेटी बन गई हैं, बेटी आएगी अब पश्चिम बंगाल में, ये अब नारा लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने उसका तोड़ बुआ के नाम से दिया है। तो सबसे पहले बताइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बेटी जीत जाएगी या फिर बुआ हार जाएगी, क्या होगा? या बुआ जीतेगी बेटी हारेगी, किसे आप ज्यादा प्रबल देख रहे हैं? देखिए अनु जी, यूपी में भी बुआ बबुआ का एक प्रयोग किया गया था। सवाल इस बात का है कि बेटी और बुआ का प्रयोग बंगाल के अंदर अब नहीं चलने वाला है। देखिए, यही ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ के वामपंथियों किले को ढाया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी वामपंथी और उसी टीएमसी के नेताओं को अपने पाने में ला के और दीदी से जवाब दिलवाया जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। इसको समझिए आप कि जिस तरह मां माटी मानुष के नाम पे अगर सरकार वहां 10 साल से चल रही थी, तो क्या वो ममता बनर्जी ने वहां स्थानीय लेवल पे क्या उन्होंने रोजगार दिए? देखिए, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य सरकार अपने वहां के राज्य के नागरिकों के लिए काम करे, ये नहीं कि वो रोहिंग्यों के लिए, घुसपैठियों के लिए काम करे। सवाल ये जवाब टीएमसी को देना होगा, और टीएमसी को जवाब इसलिए देना होगा, दीदी को बताना होगा कि दीदी ने बंगालियों के लिए क्या काम किया, क्या सौदार बंगला बनाने की बात। और मैं आपको ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था, बुआ और बेटी कौन जीतेगा, जहां ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की बेटी बनाकर अब आगे रख रहे हैं यहां पर टीएमसी के नेता, लेकिन बुआ कह रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उससे जोड़कर बुआ नाम दिया गया है, ताकि उनके भ्रष्टाचार के जो भतीजे पर आरोप हैं उन्हें आगे रखा जा सके। लेकिन कमर जी, मेरा सवाल यहां पर यह है, बीजेपी ने ये बुआ का एक पूरा नारा अब दिया है,
क्या राजनीति में कभी भी किसी नेता के रिश्तेदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उनकी राजनीति पर भारी पड़ते हैं? क्योंकि ऐसा हमने बिहार में नहीं देखा। तेजस्वी यादव का नाम जहां लालू प्रसाद यादव से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बिहार के चुनावों में तेजस्वी की पार्टी ने क्या कारनामा किया वो हमने देखा। तो क्या आपको क्या उम्मीद है, क्या इनके रिश्तेदारों के भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो ममता बनर्जी पर हावी होंगे? देखिए, सब लोग जानते हैं, आवाम भी जानती, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि मुख्यमंत्री जरूर है ममता बनर्जी, लेकिन भतीजे चलाते हैं शासन। जब वो सब आवाम के सामने सारी चीजें हैं कि भतीजा उनका जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, जिस तरह बढ़ावा वो दे रही हैं, आज जांच में भी सामने आपके सारी चीजें आ रही हैं। आप ये एक बात बताइए, अपने भतीजे को नहीं संभाल पाए, इसका मतलब था कि वो जो है सरपरस्ती में उनके चल रहा है मामला, बुआ किसे कहेंगे? के मामले पकड़े बुआ किसे कहेंगे? वही अखिलेश यादव जी यहाँ बुआ कहते थे, तो जब बुआ हो तो बुआ ही कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए हमें आप? बुआ तो आप ही बताएंगे ना, जब बुआ है तो वहाँ। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है आज, आज चर्चा थोड़ी छोटी समय की है, इस वजह से और बाकी इस पर आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव ऐसे हैं जिनका सीधा असर 2024 पर पड़ेगा, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, तो इस पर एक लंबी चर्चा आगे समय पर भी होती रहेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में टीएमसी और बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी, कौन किस पर हावी पड़ेगा, और सबसे अहम चीज जो देखने वाली है 2024 के होने वाले लोकसभा चुनावों पर, पश्चिम बंगाल के चुनावों का क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा, जिस तरह से एक बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी का एक सिनेरियो बन रहा है, अगर ममता बनर्जी डिफीट होती हैं, हारती हैं, तो क्या 2024 की विपक्ष की उस तस्वीर पर कोई असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।